नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक और बड़ी जानकारी आपके लिए लेकर आ गया हूं। जैसा कि आपको पता होगा कि 9 जून से 31 जून तक जो सरकार ने ज्ञान दूत कार्यक्रम चलाया है, जिसमें आप सभी सब्जेक्ट की क्लासेस अटेंड कर पाएंगे, उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना है। बहुत से दोस्तों के कमेंट आ रहे थे कि सर किस प्रकार रजिस्ट्रेशन करें, तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको मैं पूरा अच्छे तरीके से बताने वाला हूं कि किस तरह आपको ये रजिस्ट्रेशन वाली प्रोसेस करनी है। तो एक एक स्टेप आपको इस चीज में मैं सिखाने वाला हूं और लिंक भी आपको मैं नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें देने वाला हूं, ताकि आप भी फॉर्म भर पाए। तो पूरा देखिएगा किस तरह आपको भरना है, किस तरह आपको क्लासेस मिलेंगी। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की मेहनत हम आपके लिए हमेशा करते रहते हैं, जो हम हार्डवर्क कर रहे हैं आपके लिए, हर डिटेल जानकारी आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि सभी को फ्री क्लासेस मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, और पूरी डिटेल जानकारी आपके मोबाइल की स्क्रीन पर मैं आपको करके दिखाने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको काम करना है कि जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उस लिंक को आपको ओपन कर लेना है। और जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपके सामने ये देखिए ऐसा इंटरफेस ओपन होगा, कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान ज्ञान दूत कार्यक्रम ज्ञान दूत विद्यार्थी पंजीयन प्रपत्र। और देखिए एक आपको और जानकारी बता दूं दोस्तों, केवल मात्र आप 7 तारीख तक भर पाएंगे, यानी आज 6 है और कल तक 2 दिनों का ही टाइम अब आपके पास है, तो इस लिंक से आपको भरना है। देखिए सबसे पहले इसकी जानकारी देखिए क्या क्या है। इन कक्षाओं को समय प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक आप रहेगा, 10:30 बजे से क्लासेस स्टार्ट होगी, 2 बजे तक रहेगी। कक्षाएं ऑनलाइन लाइव मोड पर संचालित की जाएंगी। स्नातकोत्तर के विद्यार्थी अपना केवल मुख्य विषय जैसे भूगोल राजनीतिक विज्ञान ही भरें। इस लिंक को अपने मित्रों से अधिकाधिक शेयर करने हैं और इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या काम करना है, अपनी जो जीमेल आईडी है उस जीमेल आईडी को यहाँ पर भर देना है। जो भी आपकी जीमेल आईडी है तो मैं भर देता हूँ, और मैंने सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर दोस्तों ब्लर कर रखी है, जो आप सिक्योरिटी के लिए मैंने ये जीमेल आईडी ब्लर कर रखी है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये जीमेल आईडी भर देनी है, क्योंकि इस पर आपको मेल मिलेगा, जो भी मेल आएगा वो यहाँ पर आपको जानकारी दी जाएगी, जो भी आपके नोट्स वगैरह मिलेंगे। और यहाँ पर आपको विद्यार्थी का नाम भरना है, देख लीजिए जो भी नाम भरना है आप भर दीजिए, जो भी आपका नाम है वो यहाँ पर नाम लिख दीजिए। फिर आपको यहाँ पर महाविद्यालय का नाम लिखना है, जो भी आपका कॉलेज है, तो मैं लिख देता हूँ दोस्तों ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए महाविद्यालय का प्रकार, देखिए जो भी आपका महाविद्यालय है वो महाविद्यालय आप लिख सकते हैं, निजी है तो निजी लिखें। और जिले का नाम दोस्तों, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप बिलोंग करते हैं उस जिले का आपको नाम लिखना है, देखिए दोस्तों जिस भी जिले से आप बिलोंग करते हैं, उसके बाद देखिए दोस्तों अध्ययन स्तर यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो भी जानकारी दे रखी है अध्ययन स्तर स्नातकोत्तर के विद्यार्थी अपना मुख्य विषय ही चुने, जो भी आपका देखिए आप जिसमें भी बिलोंग करते हैं दोस्तों, स्नातक या स्नातकोत्तर जिसमें भी हैं वो आपको भर देना है। उसके बाद देखिए संकाय यहाँ पर जिस भी वर्ग से आप बिलोंग करते हैं वो वर्ग भरना है, मैं विज्ञान वर्ग से हूँ तो विज्ञान वर्ग भर दिया मैंने। ऐच्छिक विषय, जो भी आपके ऐच्छिक विषय हैं वो आपको यहाँ पर भरने हैं। स्नातकोत्तर, स्नातकोत्तर के 3 विषय दे रखे हैं जो मुख्य विषय हैं, मान लीजिए सबसे पहले फिजिक्स ठीक है, उसके बाद ऐच्छिक विषय दूसरा भरना है जो भी आपका है केमिस्ट्री, चाहे आप बीए में हो चाहे बीएससी में, जो भी आपका सब्जेक्ट है, कहने का मतलब ये आपको सब्जेक्ट भरना है। और उसके बाद दोस्तों मैथ्स ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर भरने हैं आपके, जो भी आपके मोबाइल नंबर हैं वो मोबाइल नंबर भर दीजिए। उसके बाद दोस्तों लास्ट में आपको क्या काम करना है, जो आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है सबमिट वाला, इस ऑप्शन पर ये पूरा फॉर्म एक बार आप चेक कर लीजिए, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं। तो यहाँ पर क्योंकि नोट्स वगैरह वो चीज़ें आपको मिलेंगी, इस ईमेल आईडी पर, इस मोबाइल नंबर पर व्हाट्सअप भी की जा सकती हैं, तो एक बार अपनी जानकारी आप अच्छे तरीके से देख लें। और उसके बाद आपको दोस्तों कुछ नहीं करना, केवल मात्र सबमिट जो आपका ऑप्शन है उसे आप सबमिट पर ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। और उसके बाद दोस्तों जो भी ये सबमिट का ऑप्शन है अंत में, ये देखिए आपको सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप देखिए आपके सामने आ गया है योर रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड, आपका रिस्पॉन्स रिकॉर्ड कर लिया गया है, तो इस तरह आपको फॉर्म अप्लाई करना है। तो दोस्तों लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, इस वीडियो को अधिकाधिक शेयर जरूर करें ताकि सभी स्टूडेंट इसका फायदा उठा सकें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।